Hello everyone, welcome to Dikshans, your one-stop solution for all e-learning resources. So today in this video we are going to start noun phrase and noun clause. इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ फ्रेज एंड व्हाट इज़ अ क्लॉज, और तब मैंने ये भी बताया था कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज, दैट इज़ नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज एंड एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, ये बताया था. ठीक है, तो आज हम डिटेल्स में बताएंगे नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज. तो फ्रेज क्या बताया था मैंने, फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स विच गिव्स अस सम सेंस, तो उसको हम कहते हैं कि वो फ्रेज होता है. और क्लॉज क्या होता है, ठीक है, तो जो सम सेंस मतलब क्या, इट इज़ नॉट गिविंग अस अ कम्प्लीट सेंस, जैसे कि इन द मॉर्निंग, एट द सनराइज, हाँ, एट नाइट, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल फ्रेज. ठीक है, और फिर मैं क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, टू और मोर वर्ड्स विच गिव्स अस सम सेंस बट नॉट द कम्प्लीट सेंस. ठीक है, तो इसको हम क्लॉज बोलते हैं, जो हमें कुछ सेंस देता है बट कम्प्लीट सेंस नहीं देता है उसको हम क्लॉज बोलते हैं. ठीक है, लेकिन क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है, तो क्लॉज जो होता है इट हैज़ सॉरी फ्रेज जो होता है उसमें क्या होता है, इट डज नॉट हैव अ प्रेडिकेट एंड सब, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, बट क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, और उसके होने के बावजूद इट डज नॉट गिव अ कम्प्लीट सेंस. तो आज हम डिस्कस करेंगे नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज, व्हाट इज नाउन फ्रेज एंड व्हाट इज नाउन क्लॉज. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज नाउन फ्रेज. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हाँ हम उसको पहले पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखने क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखी है नाउन फ्रेज की, दैट नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. यू नो व्हाट इज अ नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ठीक है, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है. ठीक है ना, तो नाउन फ्रेज क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. नाउन फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. तो नाउन क्या है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, वर्ड और फ्रेज में आ गया तो क्या हो गए, वर्ड्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हाँ, तो ये सब मिलके एक वर्ड का काम करते हैं, उसी को हम नाउन फ्रेज बोलते हैं. ठीक है, तो एक सेंटेंस में नाउन का काम क्या होता है, नाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ठीक है ना, या फिर क्या बोलते हैं, तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है. तो अगर एक सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरा ही एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हम उसको नाउन फ्रेज बोलेंगे. जैसे कि इस सेंटेंस में है कि द बॉय वॉन्ट्स समथिंग, यहाँ पे ये देखो समथिंग. ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है, द बॉय वॉन्ट्स टू गो टू होम. सो वॉट इज द सब्जेक्ट इन दिस फर्स्ट सेंटेंस को सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज द बॉय, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है, तो वॉन्ट्स जो है ये हमारा वर्ब है, और समथिंग जो है वो क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे समथिंग जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है. उसके बाद हम अगर बोलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देते तक, द बॉय वॉन्ट्स समथिंग, लड़के को कुछ चाहिए. ठीक है, क्या चाहिए, लड़के को क्या चाहिए, तो कुछ चाहिए. तो कुछ क्या है, इज द वर्किंग, इज द नाउन ऑफ द, मतलब ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है. उसके बाद द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द बॉय. ठीक है, और वर्ब क्या है, वर्ब है वॉन्ट्स, और टू गो होम क्या है, टू गो होम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड सिंस इट इज नॉट जस्ट वन वर्ड, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो टू गो होम इज द नाउन फ्रेज, ये जो है वो क्या कहलाता है, इज द नाउन फ्रेज. ठीक है, द वर्ड समथिंग इज अ नाउन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वॉन्ट्स इन सेंटेंस वन. तो सेंटेंस वन में हमने क्या बताया कि वर्ड समथिंग जो है वो एक नाउन है और वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है. ठीक है, सिमिलरली जो वर्ड सेंटेंस टू है उसमें टू गो होम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और ये क्या है,
हेंस दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, और चूंकि वो वन वर्ड नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इसीलिए उसको हम नाउन नहीं बोल देंगे, उसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे. ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो नाउन फ्रेज होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. जैसे कि सम मोर एग्जांपल्स ऑफ नाउन फ्रेज, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम देखेंगे यहाँ पे. अर्ली टू बेड इज अ गुड मैगजीन. ठीक है, तो यहाँ पे दो है, अर्ली टू बेड अ गुड मैगजीन. ठीक है, तो यहाँ पे वॉट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अर्ली टू बेड, सब्जेक्ट इज अर्ली टू बेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, इज अ गुड मैगजीन. ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें अर्ली टू बेड जो है, दिस इज ऑल्सो अ नाउन फ्रेज एंड इज अ गुड मैगजीन. अ गुड मैगजीन जो है वो भी नाउन फ्रेज है बिकॉज इट इज मोर देन टू वर्ड्स. ओके, उसके बाद देखो, वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पे वी इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इंजॉय इज द वर्ब, और प्लेइंग क्रिकेट ये क्या है, प्लेइंग क्रिकेट जो है वो है हमारा नाउन फ्रेज. ठीक है, नाउन फ्रेज का मतलब क्या होता है कि वर्ड जो है वो नाउन का काम करे. एक नाउन का काम क्या होता है सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट होता है या तो वो ऑब्जेक्ट होता है. तो वो एक वर्ब जो है, वर्ड जो है, वर्ड्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करे या फिर सब्जेक्ट का काम करे, तो हम उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं. तो यहाँ पे जैसे है, फिर नेक्स्ट देखो, डिड यू इंजॉय रीडिंग दिस बुक. हाँ, तो यहाँ पे भी ये जो रीडिंग दिस बुक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इंजॉय, और ये जो है दिस इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो हम इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज. ठीक है, टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन, टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन. तो टू विन अ प्राइज क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. क्या है, वॉट इज माई एम्बिशन, वॉट इज माई एम्बिशन, टू विन अ प्राइज. ठीक है, एक और चीज़ है, हम कैसे जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है और नाउन जो है उसको हम कैसे जानते हैं, कैसे पता चलता है कि जो वर्ड है वो नाउन है या फिर वो सब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट है. जब भी हम एक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, अगर हम एक सेंटेंस से अगर क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, इसका मतलब है जैसे कि मेरा नाम नीता है. ठीक है, ये एक सेंटेंस हुआ, तो इससे मैं क्वेश्चन क्या फॉर्म कर सकती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, है ना, मेरा नाम क्या है, ये एक क्वेश्चन फॉर्म हुआ. तो ये जो क्या को आंसर करता है वो क्या है, नीता. क्या, मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम नीता है. नीता क्या को जो आंसर करता है, जो व्हाट को आंसर करता है वो होता है सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो व्हाट को आंसर करता है वो क्या होता है, या तो सब्जेक्ट होता है या फिर वो ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं नाउन फ्रेज, वो व्हाट को आंसर करते हैं. जैसे कि व्हाट इज माय एम्बिशन, टू विन अ प्राइज, तो ये क्या हो गया, इट इज अ नाउन फ्रेज. तो आई ट्राई टू गेट द सम राइट, सो व्हाट डिड आई ट्राई, व्हाट आई ट्राइड, टू गेट द सम राइट. ठीक है, आई ट्राइड क्या है, टू गेट द सम राइट. तो यहाँ पे ये क्या है, टू गेट द सम राइट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड इट इज द नाउन फ्रेज. तो सबको समझ में आया कि नाउन फ्रेज क्या है, ये हम इसको सबको रब कर देते हैं. ओके, सो अर्ली टू बेड इज द नाउन फ्रेज, प्लेइंग क्रिकेट इज द नाउन फ्रेज, रीडिंग दिस बुक इज द नाउन फ्रेज, टू विन अ प्राइज इज द नाउन फ्रेज, एंड टू गेट द सम राइट इज द नाउन फ्रेज. व्हाई, बिकॉज अर्ली टू बेड में ये क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ये क्या है, इट इज वर्किंग एज द सब्जेक्ट,
वॉट इज अ गुड मैक्सिम, और जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वॉट इज अ गुड मैक्सिम. सो अर्ली टू बेड इज अ गुड मैक्सिम. तो वो किसको आंसर कर रहा है, इस वॉट को वो आंसर कर रहा है. ठीक है, तो वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. वॉट वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पे भी ये प्लेइंग क्रिकेट जो है वो वॉट को आंसर कर रहा है, तो वो एक नाउन फ्रेज हुआ. डिड यू इंजॉय रीडिंग दिस बुक, तो वॉट डिड यू इंजॉय, हाँ वॉट डिड यू इंजॉय, हाँ तो ये भी जो है इट इज ऑल्सो नाउन फ्रेज. वॉट डिड यू इंजॉय, तो वो भी क्या है, नाउन फ्रेज. उसके बाद क्या है, टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन. तो इसमें भी जो क्वेश्चन फॉर्म होगा वो क्या होगा, वॉट इज माई एम्बिशन, और इस वॉट को क्या क्या आंसर कर रहा है, टू विन, टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन. ठीक है, आई ट्राइड टू गेट द सम राइट. सो आई ट्राइड वॉट, आई ट्राइड टू गेट द सम राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, आई ट्राइड वॉट, तो टू गेट द सम राइट. तो ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा ये है क्या कहते हैं इसको, नाउन फ्रेज है. हमेशा याद रखना, जो वॉट को आंसर करता है और वो वर्ड नहीं होता है, वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसी को बोलते हैं नाउन फ्रेज. ओके, सो दिस इज नाउन फ्रेज, फंक्शन ऑफ अ नाउन फ्रेज. तो अभी मैंने बताया, पहले ही डिस्कस किए हम लोग कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ नाउन फ्रेज. तो नाउन फ्रेज का क्या फंक्शन है, जो एक नाउन का फंक्शन होता है वही वो नाउन फ्रेज का भी फंक्शन होता है. जैसे कि नाउन फ्रेज इज वर्क्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्क, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. ठीक है, ये चारों जो है ये नाउन का काम है. एक सेंटेंस में नाउन क्या होता है, आइदर इट कुड बी अ सब्जेक्ट, इट कुड बी एन ऑब्जेक्ट, इट कुड बी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, और इट कुड बी अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन द एग्जाम्पल बिलो द नाउन फ्रेज इज इन बोल्ड. द बॉयज ऑफ आवर क्लास वेयर डांसिंग. तो यहाँ पे ये क्या क्या आंसर कर रहा है, who were dancing. क्या है, who were dancing. तो who जो है वो जब भी who जो जिसको आंसर करता है वो या तो पर्सन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, जिसको who आंसर करता है. who कौन जो है वो क्या हो सकता है, कौन, वो पर्सन हो सकता है या फिर वो एक पर्सन की जगह यूज होने वाला प्रोनाउन हो सकता है, है ना, यही दोनों हो सकते हैं ना. तो यहाँ पे हु जो है वो क्या है, द बॉयज ऑफ आवर क्लास. तो ये बॉयज ऑफ आवर क्लास जो है यहाँ पे, दिस इज वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ठीक है, यहाँ पे नाउन फ्रेज हमने बताया कि नाउन फ्रेज क्या क्या काम करता है एक सेंटेंस में. नाउन फ्रेज या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोवर्ब हो सकता है. ठीक है, अब है राधा सैंग अ पंजाबी सॉन्ग. तो राधा सैंग व्हाट, राधा जो है उसने क्या गाया, क्या गाया राधा ने, यस शी सैंग अ पंजाबी सॉन्ग. तो ये जो पंजाबी सॉन्ग है ये क्या है, दिस इज अ नाउन फ्रेज. हमने हमेशा बताया है कि नाउन फ्रेज जो है इट डज नॉट हैव अ प्रेडिकेट. नाउन फ्रेज का प्रेडिकेट नहीं होता है, इट इज ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच लैक्स प्रेडिकेट. ओके, माई फादर वर्क्स इन अ बिग फैक्ट्री. तो ये क्या है, इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. यहाँ पे क्या है, माई फादर वर्क्स, वर्क्स कहाँ पे, इन अ बिग फैक्ट्री. सो दिस इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. हाँ, तो ये भी क्या है, इन अ बिग फैक्ट्री जो है वो नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन इन का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इन जो है प्रीपोजिशन उसका क्या बोलते हैं, उसका ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी बोलेंगे.
नाउन फ्रेज. उसके बाद आता है राम सीम्स अ वेरी जेंटल पर्सन. ठीक है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. ओके, तो राम सीम्स व्हाट, ही सीम्स अ वेरी जेंटल पर्सन. तो इससे हमें समझ में आ गया कि एक नाउन फ्रेज का क्या काम होता है सेंटेंस में. इट कुड बी अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है, ऑलमोस्ट हम उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो नाउन फ्रेज जो है उसमें क्या हो सकता है, उसमें एक डिटरमाइनर हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक एडवर्ब हो सकता है, या फिर टू इन्फिनिटिव होता है. तो जो नाउन फ्रेज है उसमें एक नाउन होता है या फिर कोई भी एक वर्ड होता है, और उसके साथ या तो डिटरमाइनर हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर एडवर्ब हो सकता है. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सम वर्क. इस नाउन फ्रेज में सम क्या है, इज अ डिटरमाइनर. फिर ये अगेन दिस होल इज अ नाउन फ्रेज, तो इसका मतलब है सम इम्पॉर्टेंट वर्क. जैसे कि अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, आई हैव सम वर्क. ठीक है, आई हैव सम वर्क. आई हैव व्हाट, सम वर्क. तो यहाँ पे सम जो है वो डिटरमाइनर है. अगर हमने बोला कि सम इम्पॉर्टेंट वर्क, तो इम्पॉर्टेंट इज द एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव भी लगता है उसके साथ. एक नाउन फ्रेज जो है उसमें एक डिटरमाइनर हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है. उसके बाद है सम वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क, तो ये क्या है, दिस इज एडवर्ब. वेरी जो है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है. जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है. तो यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसीलिए वो क्या है, एडवर्ब है. सम वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, तो वर्क टू डू इज टू इन्फिनिटिव, है ना. तो सम वेरी इम्पॉर्टेंट टू डू वर्क टू डू अर्जेंटली. फिर अगर अगेन हमने यहाँ पे एडवर्ब यूज़ कर लिया, तो हम इन सारे सेंटेंसेस में देखेंगे ये सारे जो हैं वो नाउन फ्रेज है. ठीक है, यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो टू वर्ड्स का है, ये थ्री वर्ड्स का है, ये फोर वर्ड, ये सॉरी, सम इम्पॉर्टेंट वर्क ये फोर वर्ड्स का है, है ना. तो इसमें वर्ड्स जो है वो बढ़ते गए हैं, लेकिन दीज आर ऑल नाउन फ्रेज बिकॉज दे ओनली डू द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. ठीक है, तो दे आर मोर देन टू वर्ड्स, बट दे आर ओनली डूइंग द वर्क ऑफ अ नाउन, सो दे आर कॉल्ड नाउन फ्रेज. ठीक है, तो इस तरीके से नाउन फ्रेज जो है वो कैसे बनता है, एक नाउन में एक नेमिंग वर्ड में अगर हम एक डिटरमाइनर जोड़ देते हैं, या फिर एक एडजेक्टिव जोड़ देते हैं, या फिर एक एडवर्ब जोड़ देते हैं, या फिर हम डिटरमाइनर एडजेक्टिव एडवर्ब सब कुछ जोड़ देते हैं, तो वो एक नाउन फ्रेज बन जाता है. ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, नाउन फ्रेज बन जाता है. फिर अब नेक्स्ट हम देखते हैं, द सब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब आर इज ऑलवेज अ नाउन फ्रेज. तो सब्जेक्ट, ये तो मैंने बताया ही कि एक जो नाउन फ्रेज है वो या तो सब्जेक्ट होता है, या तो ऑब्जेक्ट होता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब होता है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है. ठीक है ना, यही सारी चीज़ें होती हैं. तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, ही लव्स टू सिंग एंड डांस, द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई लुक ब्यूटिफुल. हाँ, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, विक्रम वॉज अ ब्रेव सोल्जर, टू विन फर्स्ट प्राइज इज माई एम्बिशन, रोमिंग अबाउट इन द रेन मेड मी इल, एंड अर्ली टू बेड इज अ गुड मैक्सिम, गुड हैबिट. ओके, सो इन दिस वी कैन सी दैट द नाउन फ्रेजेस आर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. ओके, नाउ आई होप द नाउन क्लॉज नाउन फ्रेज इज ऑल क्लियर टू यू. सो नाउन फ्रेज क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, टू और मोर देन टू वर्ड्स, जो कि
एक नाउन का काम करता है सेंटेंस में, यानी कि वो सब्जेक्ट का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन का काम करता है। ये बता दिया मैंने, ये समझ में आ गया सबको। उसके बाद नाउन जो है एक नाउन फ्रेज जो है उसमें एक डिटरमाइनर लगा के भी बन सकता है, एडजेक्टिव लगा के भी बन सकता है, एडवर्ब लगा के भी बन सकता है ना। ये चीज़ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ नाउन क्लॉज। तो नाउन फ्रेज जो था इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हाँ, तो वैसे ही नाउन क्लॉज ऑल्सो इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ अ नाउन। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज, वही चीज, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है। जैसे कि आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, ओके, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। अब हमने इसी सेंटेंस को लिख दिया, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज, ओके। तो टू गेट अ प्राइज में देर इज नो प्रेडिकेट। लेकिन अगर हम सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे तो दैट आई शैल गेट अ प्राइज, तो इसमें क्या है, दैट आई जो है ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, हाँ, ये क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रेडिकेट। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ नाउन क्लॉज, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, ठीक है, और वो किसको आंसर कर रहा है, वो व्हाट को आंसर कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है, ओके। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी, तो व्हाट प्लीजेज मी, व्हाट प्लीजेज मी, दैट यू हैव कम। तो दैट यू हैव कम जो है वो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, नाउन का काम कर रहा है एंड इट हैज अ प्रेडिकेट एंड इट हैज अ सब्जेक्ट, ठीक है, इसका क्या है, एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नाउन क्लॉज। इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे नाउन क्लॉज, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम मोर एग्जांपल्स। इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू गेट अ प्राइज डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, जो अभी मैंने समझाया, इट इज देयर फॉर अ फ्रेज, ठीक है, दिस फ्रेज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्सपेक्ट एंड हेंस डज द वर्क ऑफ अ नाउन, सो इट इज अ नाउन फ्रेज। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है, द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आई शैल गेट अ प्राइज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, इट इज देयर फॉर अ क्लॉज, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लॉज, ठीक है, जो चीज़ मैंने वहाँ पे समझाया वहाँ ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, दिस क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्सपेक्ट एंड सो डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और वो क्या करता है, वो नाउन का काम करता है, इट इज देयर फॉर कॉल्ड अ नाउन क्लॉज, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। तो थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दैट यू हैव कम इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्लीजेस, तो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्लीजेस है और इसको भी हम नाउन क्लॉज कहेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है, प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों हो तो उसे क्लॉज नहीं कहते हैं, उसे क्लॉज कहते हैं, और सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो उसे फ्रेज कहते हैं। तो अ नाउन क्लॉज यूजुअली वर्क्स एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जैसे कि नाउन फ्रेज का काम होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनने का, वैसे ही नाउन क्लॉज का भी काम होता है सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो, आई फियर दैट आई शैल फेल, ठीक है, दैट आई शैल फेल, ये क्या है, ये है हमारा नाउन क्लॉज। क्यों नाउन क्लॉज, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है दैट आई और शैल फेल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रेडिकेट है, तो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसमें भी होगा वो क्या हो जाता है, नाउन क्लॉज, और वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। जब एक सब्जेक्ट, एक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो उसी को हम कहते हैं क्या, नाउन क्लॉज, ठीक है। तो आई होप दैट आई शैल गेट अ प्राइज, आई होप दैट आई शैल गेट अ प्राइज, तो यहाँ पे दैट आई शैल गेट अ प्राइज क्या है,
ये है ऑब्जेक्ट. आई होप वॉट, आई होप दैट आई शैल गेट अ प्राइज. तो दैट आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और शैल गेट अ प्राइज जो है वो ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट है. इसीलिए ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ये पूरा सेंटेंस जो है वो एक नाउन क्लॉज है. That you had spoiled the game annoyed me. That you had spoiled the game. What annoyed me? What annoyed me? ये question क्या है? What annoyed me? तो that you had spoiled the game. तो पूरा that you had spoiled the game क्या है? It is the noun clause because it is working as the subject of the verb. क्योंकि वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे नाउन क्लॉज. ठीक है. नाउ सी, नो वन नोज व्हाई शी केम हियर. नो वन नोज व्हाई शी केम हियर. ठीक है. तो ये क्या है, यहाँ पे व्हाई शी केम हियर जो है ये दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड व्हाई शी केम हियर में एक सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है. जैसे कि शी जो है ये क्या है, शी इज द सब्जेक्ट और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे नाउन क्लॉज. ठीक है. दैट यू शुड से दिस इज वेरी स्ट्रेंज. तो यहाँ पे दैट यू शुड से दिस, इसमें दैट यू जो है वो सब्जेक्ट है और शुड से दिस जो है वो ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज ऑल्सो अ नाउन क्लॉज. तो ये चीज़ समझ में आ गया सबको कि व्हाट इज़ अ नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज क्या है. अब हम थोड़े से एक्सरसाइजेस करेंगे इसमें से. ठीक है. तो यहाँ पे अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन द सेंटेंस. इसमें नाउन फ्रेज को अंडरलाइन करना है. ही विश टू टॉक टू हिज मैनेजर. तो अब जैसे सबको समझ में आ गया है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी किसी को भी नाउन फ्रेज को अंडरलाइन करने में. यहाँ पे ही विश्ड व्हाट, ही विश्ड क्या है, व्हाट है ना. तो ये जो है दिस इज द नाउन फ्रेज. ही विश्ड ये क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये व्हाट को आंसर कर रहा है. द विकेट मैन लव्स गेटिंग पुअर पीपल इनटू द ट्रेवल. तो लव्स व्हाट getting poor people into the trouble. Okay, so this is again object of the sentence and it is the noun phrase. ठीक है. phrase इसलिए क्योंकि इसमें कोई subject और predicate नहीं है. ठीक है. he hates to punish his children. so again same चीज, he hates what, so he hates to punish his children. इस तरह के बहुत सारे exercises आपको दीक्षांत के app पे मिलेंगे. ठीक है ना, जो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एंड कोशिश करेंगे कि हम उसके कीज़ भी प्रोवाइड करें. लेकिन अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो आपको की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आंसर को लेके फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे. ठीक है ना. तो इसीलिए इसको करने के बाद उस स्टडी मटेरियल में जाके और फिर उन सारे जो भी वर्कशीट्स हैं उनको भी करोगे आप लोग, तो आप बहुत ही फ़ायदे की बात रहेगी ये. ठीक है. Horses prefer living in dark stables. तो horses prefer what? They prefer living in dark stables. I will never do such a thing. ठीक है. I will never do such a thing. I will never do what? Such a thing. Okay. Have you ever tried to climb a tree? Okay. Have you ever tried what? To climb a tree. Okay. He refused to answer my question. So again, he refused to do what? He refused to answer my question. Phir hai, he promised to get me something. Again, he promised what? To get me something. Phir again, why do you want to meet him? So, why do you want to what? To meet him. सो यहाँ पे मैंने जितने भी चीज़ सेंट मतलब वर्ड्स को ब्रैकेट में लिखा है वो सब क्या है, दीज आर ऑल नाउन फ्रेज. ठीक है. इसी तरीके से
तुम लोग भी एक्सरसाइजेस करोगे ताकि जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. ओके, सो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई एडिंग अ सूटेबल नाउन क्लॉज. ठीक है, यहाँ पे एक नाउन क्लॉज ऐड करना है. फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू. सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई शी इज एंग्री विथ मी. यहाँ पे इसको हम ऐड किया है. उसके बाद दे सेड के बाद दैट, दे सेड दैट दे विल ऑल, दे विल गो टू शिमला. ठीक है, दे सेड वॉट, दे सेड दैट दे विल गो टू शिमला. I think that I will win. ठीक है, I think that I will win. Okay, hold, he told me that अर्थ इज राउंड. तो कुछ भी बता सकता है, ही टोल्ड मी. ओके, हर्ट्स मी. तो दिस इज अ, जस्ट कट दिस सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट गिव. यू कैन ईट वॉट एवर यू लाइक और वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, कैन यू गेस द name of the movie. ये sentence सही है? Can you guess the name of the sentence? Is this is a clause? Huh? No, this is not a clause. This is a phrase. The name of the movie जो है क्या है? It is a phrase. तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? हमको क्या भरना है? हमें भरना है क्लॉज, है ना? तो हम क्या करेंगे? कैन यू गेस वॉट हर नेम इज. अब इसमें है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों, है ना? कैन यू गेस वॉट हर नेम इज, तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं, तो ये हो गया हमारा क्लॉज. तो हमेशा ध्यान रखना, अगर क्लॉज बोलेगा तो ऐसे सेंटेंसेस ढूंढना है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो. आई फील सर्टेन that it will rain. ठीक है, I feel certain that it will rain. Okay, I do not know what you want. Okay, तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी क्लॉज बोले तो ऐसे सेंटेंसेस चूज करना चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो. No one knows what he wants. ठीक है, No one knows what he wants. तो इस तरीके से हमने आज ये कंप्लीट कर लिया हमारा नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज. इसके जो भी स्टडी मटेरियल है वो हम तुमको दीक्षांत के लर्निंग ऐप में स्टडी मटेरियल में जाके मिल जाएगा. वहाँ पे अगर तुम क्वेश्चंस देखोगे तो तुम्हें और भी अच्छे से ये चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी. और बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं जिसको करने से तुम्हारा जो नाउन फ्रेज है, नाउन क्लॉज है और अभी तक जो भी हमने पढ़ा है फ्रेज एंड क्लॉज, वो सारी चीज़ें जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, सो आई होप नाउ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉज. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस बी गुड.